पुत्र रोहतास को बागों के में सर्प डस लेता है और महारानी तारावती पुत्र रोहतास की लाश को लेकर के गोदी में ठाकर के कहा कि शमशान भूमि में आ जाती है और शमशान भूमि में आकर के चुन चुन करके लकड़ी चीता बना करके तैयार कर देती है। उधर उसी शमशान भूमि में राजा हरिश्चंद्र की ड्यूटी लगी हुई थी और राजा हरिश्चंद्र की ड्यूटी थी 125 रुपया कफन लेने की। मेरे महबूब रागनी श्रोताओं, किस तरह से राजा हरिश्चंद्र जब वो चीता बनी देखता है तो सबसे पहले आकर के राजा हरिश्चंद्र उस चीता में ठोकर मारने की कोशिश करता है और ठोकर मारने की कोशिश जैसे करया तो महारानी तारा पैर पकड़ लेती है और एक बात के द्वारा किस तरह से दोनों में ओपरा तड़े की बात इसे मुर्द घाट में मुर्दा फूकने वाली। तुझे पता होना चाहिए कि काशी नगरी में कौन कौन से रूल लगे हुए हैं। पहले तो ये बताइए कि ये चीता तूने किसे पूछ करके यहां बनाई। आप ही कैसी बातें कर रहे हैं महाराज। महाराज? हाँ। ये महाराज का शब्द बीच में कहां से आ गया? क्या आपको नहीं पता महाराज कि मैं आपकी रानी हूँ और ये आपका बेटा रोहतास है। मैं नहीं जानता मेरी रानी महारानी बेटा रोहतास, मैं सिर्फ जानता हूँ कि ये बताइए कि शमशान भूमि में मुर्दा फूंकने से पहले तुझे पता कर लेना चाहिए कि इस मुर्द घाट का क्या रूल है। मुझे तो रूलों का बिल्कुल भी नहीं पता महाराज, और जिसकी दुनिया ही उजड़ गई हो, जिसकी कोख सुनी हो गई हो, उसे रूलों के बारे में क्या पता होगा महाराज। नहीं पता तो तुझे मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले 125 रुपया और कफन इस मरघट का टैक्स वसूली करना होगा और तुझे देना होगा, उसके बाद इस चीता में आप अग्नि प्रवेश कर सकती है, अन्यथा इस चीता को ठोकर मार करके दूर फेंक दूंगा और तुझे यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। लेकिन महाराज मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। नहीं है तो उठा ले इस लाश को यहाँ से और कहीं और जाकर के फूंक ले, मैं 125 रुपया बगैर कफन के इसे फूंकने नहीं दूंगा। इस दुखियारी पर जुलम मत कीजिए महाराज, मैं किसे अपनी दास्तान सुनाऊं, मैं किसे अपना दुख बताऊं। आपको यहाँ पर देखा तो शायद कुछ धैर्य बना मन में कि मेरे स्वामी मेरे महाराज आज यहाँ पर। तेरे स्वामी और तेरे महाराज के दिल में जो दया थी वो दया तो बहुत पहले खत्म हो चुकी, अगर आज है तो आज अपने अपने धर्म की ड्यूटी है और धर्म का काम है, तू अपनी बात कह दे मेरी सुन ले। अगर 125 रुपया कफन है तो इसमें अग्नि लगा सकती है, अंत उससे पहले इसमें अग्नि नहीं लगाने दूंगा, कह दो अपनी बात। कर मत मारे बेटी में हो या दुखियारों मर जावेगी, हो रे मर घट का मैं सुन दिए बिना लाश फूकना पावेगी, मर घट का मैं सुन दिए बिना के सहारा से माटी के माँ माटी
दुनिया में इस जगह आकर के सबका रिश्ता नाता खत्म हो जाता है। यहां ना कोई किसी का बेटा है और ना कोई किसी की नारी है और ना कोई किसी का पति है। अगर यहां है तो से केवल अपने धर्म की बात है और धर्म की लड़ाई है। अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगा, चाहे तू नीर बहाले, चाहे तू रो रो करके अपने प्राण त्याग दे, लेकिन राजा हरिश्चंद अपने धर्म से विचलित नहीं होगा। और कह दे अपनी बात। ये तो मैं जानती थी महाराज कि शायद आप इससे बहुत नाराज होंगे, लेकिन मैं ये सोच कर आई थी कि जब मेरे स्वामी यहाँ पर हैं, तो शायद मेरा मन में कुछ धैर्य बंधेगा। जब आपको यहाँ पर देखा महाराज, तो ये सोच कर बहुत धैर्य बंधा कि आप यहाँ पर हैं। अच्छा, लेकिन आपने तो यहाँ का कुछ नजारा ही बदल दिया है महाराज। कहिए अपनी बात। कोई किसी का ना दुनिया में ये झूठी मोह माया से दया धर्म क्यों भूल गया तने खुद बेटा ठुकराया से पक धर्म के ऊपर दास होया मैंने अपना फर्ज निभाया से धर्म के ऊपर दास होया मैं मानता हूँ तेरी बात को, तेरे दुख और दर्द को जानता हूँ, लेकिन तूने मुझको पागल समझ लिया। तू आप दीवानी बन बैठी, तेने बेटे पे दिया छुरा फेर, तू आप कशानी बन बैठी। मेरे याने शाने रोहित सुत की मौत निशानी बन बैठी। भला उस दिन को क्यों भूल गई जिस दिन मिश्रानी आज तो उस दिन को याद बदला आज मुझसे ले रहे हमारा। हाँ। सुन लीजिए मेरी बात। उस दिन अगर तेरा धर्म था तो आज मेरा धर्म है। कहे अपने बात। चुपती हो के कर दे मन सुन रखा इतिहास तेरा। जीवन मेरा अहुया अंधेरा आज छूट गया तेरा। और धर्म के ऊपर अड़िया रहूंगा जब तक तन में सांस मेरा। धर्म के ऊपर अड़िया रहूंगा ये जब तक तन में सांस मेरा। हो गया सत्यानाश आज तेरी रे 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 रे। अरे हो गया सत्यानाश आज तेरी रानी जहर खा जाएगी। अरे पनमेश्वर ने जो लिख दी वो पति नहीं परमेश्वर ने जो लिख दी वो पति नहीं चल पावेगी।
रह पाती, लेकिन जब वो माँ होकर भी माँ ना कहलाए महाराज तो उसकी जिंदगी तो वीरान बन जाती है। अगर मेरे दो चार पुत्र और होते तो मैं ये सोच कर सवर कर लेती महाराज। अच्छा, लेकिन मेरा तो आज इकलौता पुत्र भी मुझे छोड़कर जा चुका है और आज आप भी मुझसे ऐसी बातें कर रहे हैं महाराज, कुछ तो रहम इस दुखियारी पर कर लीजिए। मेरे दिल में कोई रहम नहीं है, रहम खाएगा तो ऊपर वाला खाएगा, लेकिन मेरे दिल में इतना रहम है कि सवा रुपया कफन दे दे और अपने बेटे की इस लाश का क्रियाकर्म आसानी से कर ले। क्या था? भूल गए हैं महाराज कि आप मुझे मोड़ बांध कर अपने साथ लेकर आए थे और आज आपने ये रिश्ता भी मुझसे तोड़ दिया। बिल्कुल मुझे सारी बात तो याद है, लेकिन उस दिन को याद कर जो वरना नदी पर एक घड़ा ठाण तो नाटी, मेरे घड़े में थोड़ा सा सहारा देने से बिल्कुल ना हिला की, आज उस दिन को ऐसे हरिचंद के सामने रख रही है। आपने तो कहा था महाराज कि रानी जहाँ पर भी रहना सिर्फ सत्य धर्म का पालन करना, असत्य धर्म पर बिल्कुल भी मत चलना महाराज। मैंने तो आपके धर्म का पालन किया और कुछ भी नहीं। कहे अपनी बात। भरने दिख जल भरने जब गया नदी पर तो न पंगी नीचे बताया था। अरे तेरी आजाद अकल की थोड़ी मन गलती में आया था। अरे राजपाट मन राजपाट धन दौलत छोड़ी धर्म नहीं बिसराया था। राजपाट धन दौलत छोड़ी धर्म नहीं Okay।